कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने एनडीए सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गिरिराज सिंह के ऊपर प्रहार करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। कांग्रेस में स्वागत करते हैं और इनके आने से निश्चित रूप से पटना की दोनों सीटें, जहानाबाद की सीट और बिहार में हर जगह इनके साथ काम करने वाले लोग महागठबंधन के पक्ष में और महागठबंधन की ताकत बढ़ाने का काम करेंगे। चार चरण का चुनाव अभी तक हुआ है और बिहार में जिस तरह से लोगों ने, यहाँ के मतदाता भाइयों ने साथ दिया है महागठबंधन का, उनका मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ। शायद ही एक आध सीट है जहाँ हम लोगों का अच्छा नहीं हुआ, उस जगह प्रशासन की वजह से, और नहीं तो प्रायः सभी सीटों पर कांग्रेस सहित राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। जो सीट इनका गढ़ समझा जाता था वो भी सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तीन चरण का चुनाव अभी बचा हुआ है, पांचवां चरण, छठा चरण और सातवां चरण। इसमें सभी महागठबंधन के साथी, महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता पूरी ताकत से हम लोग भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के उम्मीदवारों को हराने में लगे हुए हैं। आज भी मेरा कार्यक्रम था लेकिन पूनम जी का हुआ। पूनम जी का बड़ा व्यक्तित्व है और 85 में ये MLA हो गई थी, तो 39-40 साल का इनका लंबा अनुभव और इनकी दक्षता हम लोग सभी जानते हैं। निश्चित रूप से महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी को विशेष रूप से लाभ होगा। कोई सवाल है तो पूछ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन का 10 साल हो गया, 10 साल में उनको अपनी उपलब्धियों की बात करनी चाहिए थी। मंदिर मस्जिद की बात न कोई सुनना चाहता है और न उनको करना चाहिए था। उन्होंने देश की जनता से वायदा किया था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, युवाओं को, लेकिन 20 करोड़ रोजगार मिल गया होता अगर नौकरी देते तो। वो 20 करोड़ और 2 करोड़ तो नहीं मिला, ऊपर से इनकी जो पॉलिसी आई GST की और नोटबंदी की, उसके कारण लाखों नौजवान बेरोजगार हो गए। प्रधानमंत्री जी 19 के चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में और राज्यसभा में मैं भाषण सुना हूँ बैठ के कि 2022 में किसानों की आमदनी को हम दुगना करेंगे, उस पर चर्चा करनी चाहिए थी चुनाव में। आमदनी तो दुगना नहीं हुआ, उल्टे महंगाई के कारण 100 रुपये पार डीजल हो गया, 100 रुपये पार पेट्रोल हो गया, उसके वजह से जो लागत खर्च है किसानों का वो 3 गुना 4 गुना हो गया। तो जो रियल प्रॉब्लम है उसकी बात नहीं करते हैं और मंदिर की बात करते हैं। मंदिर से जो हिंदू है वो किसको विरोध हो सकता है, मस्जिद से किस मुसलमान को विरोध हो सकता है, चर्च से किस ईसाई को विरोध हो सकता है। पूजा हम भी करते हैं राम की, जब से पैदा हुए तब से राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग राम के पुजारी हैं, इनके तरह राम के व्यापारी नहीं हैं। तो ये लोग अपना करते हैं। गिरिराज जी का तो नहीं पता है, लेकिन राहुल गांधी के जो खानदान है उस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराने में। पंडित नेहरू जी 8-9 साल जेल में बंद रहे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, जिसमें आदरणीय गिरिराज जी काम करते हैं, आज़ादी के बाद हुई है। उनको क्या मालूम है इस देश के इतिहास के बारे में? भागा जो जिसको वापस ले आना चाहिए था, यहाँ के अरबों रुपये चूना लगा के लोग चले गए, अब उनकी बात नहीं हो रही। देश में 22
अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, इस पे चर्चा नहीं होती है। तो चर्चा तो वो होनी चाहिए जो मेन इश्यूज है, जो जनता को तंग तबाह कर रही है, उस पे चर्चा गायब है। बेरोजगारी दर में भारत अभी छोटे छोटे मुल्क जो गरीब मुल्क हैं, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उससे भी ऊपर चला गया, उसकी बात नहीं होती है। महंगाई ऐसी बढ़ी, कमर तोड़ महंगाई है, कि गरीबों के थाल से दाल सब्जी तक गायब है, उसकी चर्चा नहीं हो रही। आपने सुना कि अखिलेश सिंह ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा एनडीए कुनबा जो है वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिमों की बात करती है, वो धर्म की राजनीति करती है, जबकि इंडिया गठबंधन सभी लोगों को एक साथ और एक समान देखती है। इंडिया गठबंधन किसानों की और युवाओं और रोजगार की बात करती है, तो वहीं एनडीए गठबंधन हिंदू मुस्लिम की बात कर मुद्दे की बात से लोगों को भटकाना चाहती है। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।